मॉड्यूल डोटी थोरेटिकल बेसिस ऑफ सप्लाई फंक्शंस जैसे कि आपको पता है कि सप्लाई कर एक पॉजिटिव एसोसिएशन इंडिकेट करता है बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई और ये सप्लाई कर बेसिकली है क्या दिस सप्लाई कर डी ऑप्टिमल लेवल ऑफ आउटपुट दैट अ फर्म प्रोड्यूस अगेंस्ट गिवन प्राइसेज ऑफ आउटपुट एंड इनपुट अब ऑप्टीमल लेवल ऑफ आउटपुट कौन सा लेवल ऑफ आउटपुट है दिस इज दउटपुट वेयर फॉर मैक्माइज इट्स प्रॉफिट और प्रॉफिट मेरे पास क्या होता है प्रॉफिट इज डिफरेंस बिटवीन टोटल रेवन्यू एंड टोटल कॉस्ट सो इस सप्लाई कर पे जितने भी पॉइंट है वो कौन से लेवल ऑफ आउटपुट हैं दिज आर द प्रोफिट मैक्सीमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट फॉर दर्म अगेंस्ट डिफरेंट प्राइस ऑफ आउटपुट और हम यहां पर एजम्पन क्या ले रहे हैं कि देयर इज नो चेंज इन प्राइस ऑफ इनपुट देयर इज ओनली चेंज इन प्राइस ऑफ आउटपुट और जब हम बात करते हैं टोटल रेवेन्यू की टोटल रेवेन्यू बेसिकली करते हो बाय सेलिंग इट्स आउटपुट इन मार्केट अगर हम बात करें विद रेफरेंस टू तो अमर अब मेरी क्या हैीकल्चर फार्म, प्रोडक्ट क्वांटिटी क्या है मेरी है कि हम उस क्वांटिटी को डिनोट कर रहे हैं विद स्मॉल ए हाँ जी आउटपुट कौन सा है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट कौन सी है इस wheat, our corn, our लेकिन अभी इस स्टेज पर हम क्या कर रहे हैं फार्मर इज प्रोड्यूसिंग ओनली वन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट और जो भी वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे है उसकी मार्केट में प्राइस क्या है कि स्पोज हम उसको डिनोट कर रहे हैं विद पी ए और ए यहाँ पे हम सब्सक्रिप्ट में पी के लिख रहे हैं कि दिस इज द प्राइस ऑफ द एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट दैट इज प्रोड्यूस दैट पर्टिकुलर फार्मर और अगर मैं इस प्राइस को क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई कर दूं आउटपुट से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास जो टर्म ट्रम होगी हम उसको कहते हैं दिस इज टोटल रेवेन्यू जैसे अगर हम बात कर लें कि टेन मार्स ऑफ वेट इज प्रोड्यूस बाई अ फार्मर एंड प्राइस ऑफ वेट इज इक्वल टू फोर थाउजेंड रुपीज इन द मार्केट तो मेरे पास जो टोटल रेवेन्यू ऑफ फार्मर होगा वो क्या हो जाएगा इट इज इक्वल टू फोर्टी थाउजेंड रुपीज अब टू प्रोड्यूस आउटपुट फार्मर नीड सर्टन इनपुट अगेन हम चीजें सिंपलीफाई रखने के लिए एज्यूम करते हैं कि फार्मर इज यूजिंग ओनली टू इनपुट्स वो दो इनपुट्स कौन कौन से हैं? कि फार्मर सीड यूज कर है एंड फर्टिलाइजर यूज कर है टू प्रोड्यूस वीट और उसने वीट की क्या क्वांटिटी प्रोड्यूस की फार्मर प्रोड्यूस ए क्वांटिटी ऑफ वीट और इस ए क्वांटिटी ऑफ वीट को प्रोड्यूस करने के लिए ही नीड्स क्वांटिटी ऑफ़ इनपुट फैक्टर वन एंड एक्स टू क्वांटिटी ऑफ इनपुट फैक्टर टू सीड के वो यूनिट एक्स वन यूज कर रहे हैं फर्टिलाइजर के वो यूनिट एक्स टू यूज कर रहे है टू प्रोड्यूस यूनिट्स ऑफ वीट अब यहां पे प्राइस ऑफ इनपुट वन किस चीज के इक्वल है हमारी इट इज इक्वल टू पी वन एंड प्राइस ऑफ इनपुट फैक्टर टू पी टू सो टोटल कॉस्ट दैट द फार्मर इज यूजिंग टू प्रोड्यूस ए आउटपुट इज बाय ऑबटेन्टीप्लाइंग प्राइस ऑफ इनपुट विथ क्वांटिटी ऑफ इनपुट प्लस प्राइस ऑफ सेकेंड इनपुट एंड क्वांटिटी ऑफ सेकेंड इनपुट सो टोटल कॉस्ट दैट फर्म

by producing a level of output against the price against the prices of input and output a farmer is, is getting maximum profit by producing against given prices of output and input that is the optimal level of output for that particular farmer अब उसी चीज को इलेबोरेट करने के लिए अगेन हम यहां पे किस चीज को ड्रा कर रहे हैं हम यहां पे ड्रा कर रहे हैं सप्लाई कर्व को बाई टेकिंग क्वांटिटी सप्लाई ऑन हॉरिजेंटल एक्सेस एंड प्राइस ऑफ एग्रीकल्चरल आउटपुट ऑन वर्टिकल एक्सेस और इस पॉजिटिवली स्लोप लाइन पे जितने भी पॉइंट है वो सब क्या है दीज आर दी दिमल लेवल्स ऑफ आउटपुट ऑप्टिमल लेवल ऑफ आउटपुट कौन सा आउटपुट है दिस इज द लेवल ऑफ आउटपुट वेयर फर्म इज मैक्सिमाइजिंग इट्स प्रॉफिट अगेंस्ट गिवन प्राइस ऑफ आउटपुट एंड इनपुट इफ प्राइस ऑफ एग्रीकल्चरल आउटपुट इज पी एन बाई प्रोड्यूसिंग ए लेवल ऑफ आउटपुट फ्रॉम इज मैक्सिमाइजिंग इट्स प्रॉफिट और हमारी यहां पर एजम्पन क्या थी कि देयर इज नो चेंजिंग इफ देर इज नो चेंज इन प्राइस ऑफ इनपुट ओनली प्राइस ऑफ आउटपुट चेंजेस देन क्या होगा कि इफ प्राइस ऑफ आउटपुट मूव्स फ्रॉम पी ए टू पी बी लेवल ऑफ आउटपुट फार्मर का मूव कर जाएगा टूवर्ड्स पॉइंट बी ऑप्टिमल लेवल ऑफ आउटपुट चेंज क्यों हुआ कि दिस चेंज इन ऑप्टिमल लेवल ऑफ आउटपुट इज बिकॉज ऑफ चेंज इन प्राइस ऑफ एग्रीकल्चरल आउटपुट क्या जी कीपिंग अदर थिंग्स कांस्टेंट अगर प्राइस ऑफ एग्रीकल्चर आउटपुट इंक्रीज कर जाएगा क्वांटिटी सप्लाई जो भी वो फार्मर प्रोड्यूस करे वो भी क्या हो जाएगी इट विल आल्सो इंक्रीज एंड दिस मूवमेंट फ्रॉम पी ए फ्रॉम क्वांटिटी लेवल ए टू क्वांटिटी बी इसको हम क्या कहते हैं इट इज कॉल्ड एज इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाई एंड दिस इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाई इज बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन प्राइस ऑफ एग्रीकल्चरल आउटपुट इन द मार्केट अगर मैं इस सारे को अब समराइज करूं तो मुझे क्या इंडिकेट करता है देयर इज अ पॉजिटिव एसोसिएशन बिटवीन ऑप्टीमल लेवल ऑफ आउटपुट एंड प्राइस ऑफ आउटपुट इन दार्केट वेन देयर इज नो चेंज इन प्राइस ऑफ इनपुट